हेलो वेलकम बैक, मैं हूं आमिर हाशमी। हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक पहला वीडियो अपलोड किया है, जिसने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आज इसका दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम आज फर्दर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया एक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये फार्मूला है, एक ये है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इस तरह फार्मूला बनते हैं। एक फार्मूला ये है 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, है ना। इसी तरह एक है 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला जो है, हम जितने फार्मूलाज हैं मैंने इनको प्रूव करके दिया है। अब मैंने आपको बताया है वहां पर जो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है वो टैन थीटा के बराबर होता है। इसी तरह कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा वो कॉट थीटा के बराबर है, और 1 बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा के बराबर, और 1 बाय कोसेक थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। ये इनवर्स हैं, 1 बाय साइन इनवर्स हैं, कोसेक थीटा के बराबर हैं। अगर साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का इनवर्स है। इसी तरह 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर, और 1 बाय सेक थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। इसी तरह 1 बाय कॉट थीटा होता है टेन थीटा के बराबर, और 1 बाय टेन थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर। इनको आपको याद रखना है। अब साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, अगर मैं आपको बताऊंगा कि 1 बाय कॉस, इनको मैं प्रूव करके दूंगा आपको इस साइड में। पहले साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, मैंने आपको बताया एक ट्रिक जो ये एस सी टी, यहां पर है पी बी पी एच एच बी, ये रेशियोज हैं, ये साइन कॉस और टैन है, है ना। इनके रेशियोज हैं, साइन का रेशियो ये है, कॉस का रेशियो ये है, टैन का रेशियो ये है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा टैन थीटा के बराबर हमने यहां पर लिया है, इसको हम प्रूव करेंगे। यहां पर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा है। अगर मैं आपको बताऊंगा साइन थीटा किसके बराबर है, आप बताएंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। इसी तरह इसके बाद कॉस थीटा वो होता है बराबर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके बराबर है, टैन थीटा के बराबर है। इसीलिए हम कहते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा टैन थीटा के बराबर है। इसी तरह कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होल डिवाइड बाय, और साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस,
यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर बच जाएंगे। बेस जो है परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस टैन है, और इसका इनवर्स क्या है कॉट है, वो होगा कॉट थीटा। इसलिए हम कहते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होता है बराबर कॉट थीटा के बराबर। अब यहां पर वन बाय साइन थीटा कोसेक थीटा, वन बाय साइन थीटा होता है बराबर कोसेक थीटा, यहां हम कहेंगे कोसेक थीटा साइन थीटा होता है बराबर वन बाय कोसेक थीटा। यहां पर वन बाय अगर हम कहेंगे यहां पर साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है ना, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसका डिवाइड वन है, ये आ जाएगा इस तरह वन डिवाइड बाय वन डिवाइड बाय पी डिवाइड बाय एच परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और यहां पर ये इसको मल्टीपल बनाने के लिए इसका उल्टा हो जाए, ये इसका वैल्यू है जो पी बाय एच है, इसको मल्टीपल करने के लिए ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा h डिवाइड बाय p, यहाँ पर इंटू वन डिवाइड बाय वन है वो होगा h डिवाइड बाय p। आप जानते हैं h डिवाइड बाय p इसका h बाय p किसके बराबर है cosec थीटा के बराबर है। इसी तरह आप इन फार्मूलाज को प्रूव कर सकते हैं। अब इसको मैं रब करता हूं और फर्दर हम डिस्कस करेंगे। यहां पर क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आया है वो है tan थीटा इज इक्वल रूट ऑफ सिक्स रूट ऑफ सिक्स रूट ऑफ सिक्स प्लस प्लस और प्लस रूट ऑफ सिक्स। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसको हम देखकर ही अटक जाते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, इन रूट्स को हम किस तरह खत्म कर सकेंगे, मगर ये बहुत आसान है अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमें फिर फाइंड करना है साइन थीटा किसके बराबर होगा। अगर मैं आपको बताऊंगा जो सेकिस हैं इसके फैक्टर्स कितने होंगे, सेकिस के फैक्टर्स एक सेकिस का मल्टीपल वन के साथ करेंगे सेकिस आ जाएगा, सेकिस का मल्टीपल टू के साथ करेंगे नहीं थ्री मल्टीपल टू के साथ करेंगे सिक्स आ जाएगा, और वन को सिक्स के साथ मल्टीपल करेंगे सिक्स आ जाएगा। मगर यहां पर आपको देखना है जो फैक्टर डिफरेंस बहुत कम होती है, जिन फैक्टर्स की डिफरेंस बहुत कम होती है उनको हमें सेलेक्ट करना है। यहां पर आप देखते हैं यहां पर थ्री और टू को हम सेलेक्ट करते हैं। यहां पर अगर प्लस साइन है हमें इस फैक्टर में बड़े वाले को सिलेक्ट करना है, अगर यहां पर माइनस साइन है हमें छोटे वाले को सिलेक्ट करना है। इसका मतलब यहां पर प्लस है हम ले सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री के बराबर। अब इसका वैल्यू क्या बन गया थ्री, इसका शॉर्ट ट्रिक है। हमें क्या निकालना है साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं थ्री डिवाइड वन, जिसका कोई डिवाइड नहीं होता है उसका वन होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के बराबर, यहां पर थ्री बनेगा परपेंडिकुलर और वन बनेगा बेस। हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा करेंगे, ये होता है 90 डिग्री एंगल, यहां पर एंगल थीटा है और ये बने ये थ्री है और ये वन है। हमें यहां पर हाइपोटेन्यूज निकालना
इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया हमें पाइथागोरस की थ्योरम की जरूरत होती है, वो होती है यहाँ पर ए बी नाम दी, ए बी एंड सी, वो होती है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। अब ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है, ए सी निकालना है, ये ऐसा ही रहेगा। अब ए बी का स्क्वायर वन स्क्वायर है प्लस बी सी का स्क्वायर थ्री स्क्वायर है। अब आएगा ए सी का स्क्वायर वन स्क्वायर होता है वन, वन कितने बार मल्टीपल करेंगे वन ही आ जाता है, और प्लस थ्री थ्री हजार नाइन। अब ए सी का स्क्वायर निकलता है नाइन प्लस वन होता है टेन। अब ए सी स्क्वायर को यहां लाएंगे, ये स्क्वायर रूट बनेगा रूट ऑफ टेन। यहां पर इसका परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है टेन का, ये आ गया रूट ऑफ टेन। हमें क्या निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा अगर हम लेंगे परपेंडिकुलर हमें गिवन है थ्री है, और हाइपोटेन्यूस हमने निकाला है वो है रूट टेन। ये इसका क्या है